पाकिस्तान की तरीही जीत पर स्टेडियम में मौजूद बाबर आजम के वालिद भी रो पड़े। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरीही फतह पर दुबई स्टेडियम में मौजूद कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के वालिद फर्तु जज्बात से रो पड़े। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में बाबर आजम के वालिद को देखा जा सकता है, जिसमें वो मैच में पाकिस्तान की फतह के बाद खुद पर काबू न कर सके और खुशी और फर्तु जज्बात से रोने लगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में पहली बार भारत को शिकस्त दी है। मैच के बाद बाबर आजम के वालिद के पास मौजूद शौकीन उन्हें मुबारकबाद देते रहे। मुबारकबाद देने वालों में चाचाए क्रिकेट भी शामिल है। ख्याल रहे कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में पाकिस्तान ने भारत को एक तरफा मुकाबले के बाद 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। दुबई में खेले गए मैच में भारत ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 151 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 152 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान पर 18वें ओवर में बासानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड के चारों अतराफ दिलकश स्ट्रोक्स भी खेले और 152 रन की शानदार शराकत भी कायम की और भारतीय बॉलर्स को विकेट लेने का मौका ही न दिया। मोहम्मद रिजवान ने शानदार बैटिंग करते हुए नाकाबिल शिकस्त 79 रन बनाए, जबकि बाबर आजम ने 68 रन की उम्दा पारी खेली। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इस तरीही जीत के हवाले से आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। मजीद क्रिकेट वीडियोस और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।